डालो। हेलो। हाँ हेलो जी सर, मैं मुंबई से बोल रहा हूँ। हाँ जी हेलो, हाँ जी हाँ जी बोलिए। आपका यूट्यूब पे मैंने देखा हाँ जी क्या था तो मुझे सर मुझे फेस पे फोड़ी फोड़ी बहुत आता है सर, फेस पर? तो पिंपल्स बहुत है। हाँ देखो, आप ये सिस्टम हमारा फॉलो करोगे ना तो आपको पहले तो हो सकता है थोड़े से पिंपल और प्लस हो जाए, पर दो अच्छा तीन महीने के अंदर अंदर फिर आपके कम होने शुरू हो जाएगा। जैसे जैसे आपका बैलेंस बनता जाएगा ना तो कम हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। पर कैसे होते एकदम पता से है, अगर आप रिजल्ट देख, वो व्हाइट रहते ना, व्हाइट वाला अपना ये ब्लैक हेड्स वैसे हाँ रहते हाँ हैं। हाँ पर अगर आप एकदम से चाहते हो ना कि एकदम से कुछ रिजल्ट मिले, तो एकदम से रिजल्ट नहीं मिलेगा आपको। कुछ ओके केसेस में मिल भी जाता है, मतलब आप ये समझ लो 20-25% केसेस में शुरू में भी ठीक हो जाता है, पर ज्यादातर केसेस में थोड़ी देर बाद ठीक होना शुरू होता है। तो करके देखो आप, आपका बाकी सब, आपको ना, आपने कभी बड़े बूढ़ों से सुना होगा कि पेट खराब होने से होते हैं पिंपल्स वगैरह? हाँ 19 से, लेकिन वो चीज प्रॉब्लम नहीं है मेरा वो। नहीं, आप कह रहे हैं ना पेट खराब होने का मतलब है कि जब आप इसको फॉलो करोगे ना तो आप कंपेयर करना कि पहले के मुकाबले में आपको कितना बेटर लग रहा है पेट के पॉइंट ऑफ से, ठीक है ना? क्योंकि आपको वैसे कोई समस्या नहीं है जिसको आप कहें कि आपको कोई तकलीफ नहीं है, परंतु डाइजेशन में वैसे भी पता चलता है कि आपको भूख कितनी लग रही है, नींद कैसी आ रही है, आपको एनर्जी लेवल क्या है, तो इन सब चीजों से आपको पेट का बेटर आइडिया लगेगा। अच्छा मतलब कोई बीमारी नहीं है वो अलग बात है, परंतु कितना अच्छा लग रहा है वो अलग चीज है। तो आपको मेरे ख्याल से हफ्ते के अंदर ही फर्क पता चल जाएगा, और फिर जैसे जैसे आपका डाइजेशन अच्छा होता जाएगा वो भी ठीक होता है, क्योंकि आपने देखा साफी आती है ब्लड प्योरिफिकेशन के लिए, और कई चीजें और भी हैं जो कि डाइजेशन को ही फोकस करती हैं। तो आप इसको करोगे तो और डाइजेशन के लिए तो दुनिया में इसके अलावा कोई सिस्टम है ही नहीं है वैसे, कहीं सही कहा जाए तो। साफी, मैंने अच्छा बहुत साफी यूज करी है अपने यंगर डेज में, उससे पेट हाँ का सत्यानाश हो जाता है, डाइजेशन एकदम खराब हो जाता है। और जहां तक साफी को छोड़ के अगर आप किसी और चीज की बात करें, कोई भी चीज काम नहीं करती। मैं भी अपने यंगर डेज में सब चीजें ट्राई कर लिया था, चाहे आप पानी को इंक्रीज करो, जब तक आपका डाइजेशन परफेक्ट नहीं होगा ये ठीक नहीं होता, और डाइजेशन ठीक होने के बाद कोई कारण नहीं है ये प्रॉब्लम होने का। तो अभी क्या बताइए मुझे, क्या करना चाहिए? मैं आपको लिंक दे देता हूँ, शेयर कर देता हूँ। वो आपका लिंक जो है उसमें होगा कि पर डे आपको किस समय खाना खाना है, किस समय पानी पीना है। तो उसको एक हफ्ता स्ट्रिक्टली करिए, एक हफ्ता या 15 दिन तक कर लीजिए, उसके बाद में थोड़ा सा चेंजेस करके आप अपने हिसाब से एडजस्ट करके कर सकते हैं। अच्छा ठीक है, मैं आपको अपनी लिंक शेयर कर देता हूँ। ठीक है चलेगा। हेलो हाँ जी सर, मैं अर्जुन बोल रहा हूँ मुंबई से। मैंने कल परसों कॉल किया था आपको, वो फेस पे जो पिंपल्स आता है उसके रिगार्डिंग में आपको, तो आपने मुझे कुछ लिंक भेजने को बोला था। अच्छा, भेजा नहीं? नहीं सर, नहीं आया। हाई करके भेजो बस, इसके हाई कर भेजो ना आपको। हाँ हाई करके भेजो, मैं अभी भेज रहा हूँ, एक सेकंड में। ओके ठीक है, भेजता हूँ। हेलो। हेलो हाँ जी सर, मैं अर्जुन बोल रहा हूँ मुंबई से। वो कल कॉल किया था, वो लिंक आपने भेजा नहीं, मैं हाई भेजा उसमें व्हाट्सएप पे। दोबारा हाई भेजो। हेलो, दोबारा हाई भेजो, वापस भेजो। ओके।